Assalamu alaikum students, I am Aisha Sadeeqa and today we will discuss sources of organic compounds. अगर हम natural sources of organic compounds की बात करें तो mainly three sources है. Number one is coal, number two is natural gas and number three is the petroleum. देयर मेनली थ्री सोर्सेज हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. ठीक है, और ये सोर्सेज जो हैं ये तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. ठीक है, जब भी हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इससे मुराद हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे. ठीक है, और ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. यानी कि कोल जो है ये सॉलिड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक है, सॉलिड सोर्स है, नेचुरल गैस इज इन द गैस फॉर्म एंड पेट्रोलियम इज द लिक्विड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, और इन तीनों सोर्सेज को हम कलेक्टिवली कहेंगे फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? असल में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छी तरह से उनको पता होगा कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो बाकियात होती हैं जानदारों की उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही है, जो मुर्दा जानदार हैं या प्लांट्स हैं जो भी हैं वो जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, ठीक है, उनकी जो बाकियात होती हैं हज़ारों लाखों साल पहले जो दब गए हैं ज़मीन के नीचे, हम उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. सही है, और ये फॉसिल फ्यूल्स एक तो हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत बड़ा सोर्स हैं, इनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स हैं, और इसके अलावा उस ऑर्गेनिक मैटर को जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस दौर के, जो आज उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनको स्टडी करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, कोल की हम बात करते हैं. कोल क्या होता है तो हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है, कोल कैसे बनता है. तो कोल असल में जो है ये डेड प्लांट्स और ट्रीज जो हैं, जो ज़मीन के नीचे दब गए हैं, बरीड हैं अंडर द ग्राउंड. ठीक है, डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स और ट्रीज जो ज़मीन के नीचे दब गए हैं, इनके ऊपर क्या होगा? बैक्टीरियल एक्शन होगा, इनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होते हैं. ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बैक्टीरिया और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कोल. ठीक है, तकरीबन 500 मिलियन साल पहले की ये बात है. ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स एगो, तकरीबन 50 करोड़ साल पहले जो डेड प्लांट्स और ट्रीज थे जो ज़मीन के नीचे दब गए, उनके ऊपर फिर बैक्टीरियल एक्शन हुआ, उन्होंने एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बैक्टीरिया ने, तो उसके नतीजे में क्या बना? कोल. ठीक है, अब हम इसकी स्टेप बाई स्टेप फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि कोल किस तरह से बना, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, तो आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले यानी 50 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि जो जंगलात थे, क्योंकि उस दौर में जंगलात, दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो डिज़ास्टर की वजह से, जैसे कि कोई फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से या किसी वोल्केनो वगैरह की वजह से, यानी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, तो उसकी वजह से जो है ये जो जंगलात थे, जो दरख्त थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए. ठीक है, तो उस डेड प्लांट जो मैटर है, डेड मैटर है प्लांट और ट्रीज़ का, मैं उसको वुड का नाम दूंगी. ठीक है, तो वुड जो है ये क्या हुई, इसके ऊपर फिर बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरिया ने, क्योंकि ये मुर्दा प्लांट्स थे, मुर्दा ट्रीज थे, तो इनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरिया ने इनके ऊपर रेस्पिरेशन की. और कौन सी रेस्पिरेशन? एन एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ये वुड जो है ये कन्वर्ट हो गई इनटू द पीट. ठीक है, जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो इसको हमने पीट का नाम दे दिया. सही है, अब क्या हुआ, ज़मीन की लेयर्स, ज़मीन की जो तहें हैं वो चढ़ती गई, इसके ऊपर मिट्टी की तहें जमती गई. ठीक है, और ये जो डेड प्लांट्स थे ये नीचे दबते चले गए ज़मीन के अंदर. ठीक है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, क्योंकि उन सेडिमेंट्स के अंदर जो है एक हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था. ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये पीट जो है ये कन्वर्ट हो गई इनटू द लिग्नाइट.
इसमें कन्वर्ट हो गई लिगनाइट में, ठीक है, यानी जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुई उसको मैंने लिगनाइट का नाम दिया। अब ये जो वुड थी ये असल में फ्लफी फ्लफी थी, पोरस थी, सही है, थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई और उसके ऊपर बाद में ज़मीन का प्रेशर अप्लाई हुआ, यानी मिट्टी की तहें इसके ऊपर जम गई प्रेशर की वजह से, वो एक थोड़ी हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जिसको हम पीट कहते हैं, ठीक है। और ये पीट भी वैसे जो है स्पॉन्जी फॉर्म ही थी, ठीक है। और फिर पीट के ऊपर जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई हुआ तो ये कन्वर्ट हो गई इनटू द लिग्नाइट, ठीक है। और लिग्नाइट जो है वो पीट की निस्बत थोड़ी हार्ड थी और इसका कलर भी डार्क था। अब ये जो लिग्नाइट है ये अंडर हाई प्रेशर अप्लाई हुआ इस पे और ये कन्वर्ट हो गई इनटू द बिट्यूमिनस कोल। किसमें कन्वर्ट हो गई? बिट्यूमिनस कोल में, ठीक है, यानी जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुई उसको हमने बिट्यूमिनस कोल का नाम दे दिया, क्लियर। और बिट्यूमिनस कोल जो है ये अंडर हाई प्रेशर ये कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ज़मीन की तहें जो है वो चढ़ती गई, ये नीचे दबते चले गए, आज से 500 मिलियन साल पहले की ये बातें हैं, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर के नतीजे में ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? इनटू द एंथ्रासाइट, एंड एंथ्रासाइट इज़ द फाइनल फॉर्म यानी फाइनल स्टेज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और इस एंथ्रासाइट ही को असल में नाम दिया गया किसका? कोल का, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये वुड जो है जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ी स्पॉन्जी फॉर्म में थी, थोड़ी पोरस थी, और जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होता गया तो इसकी हार्ड फॉर्म्स बनती चली गई, यानी पीट जो है वो वुड से हार्ड थी, लिग्नाइट पीट से हार्ड थी, और फिर बिट्यूमिनस कोल जो है वो लिग्नाइट की निस्बत हार्ड थी, और एंथ्रासाइट जो ये बहुत ही इसकी हार्ड फॉर्म है और कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वुड से एंथ्रासाइट बनने के दौरान कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, तो इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कार्बनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन की कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना, सही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इसमें कोई एयर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो ये प्रोसेस हो रहा है वुड से कोल बनने का, इसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अब आप सोच रहे होंगे कि वुड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है और कोल के अंदर भी कार्बन है और वुड से ही कोल बना है, तो फिर कोल में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इंक्रीज कैसे होगी जब हम इसके अंदर कुछ ऐड ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज़ ये मेरे पास एक वुड का पीस है, ठीक है, डेड वुड है ये, और इसके अंदर कार्बन के एटम्स यूँ मौजूद है, सही है। अब इसके ऊपर क्या हुआ? प्रेशर अप्लाई हुआ, मैंने इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया, जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये कार्बन के जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी ये कार्बन का पीस जो वुड का पीस है ये कंप्रेस हो जाएगा। जब ये कंप्रेस होगा तो इसका वॉल्यूम पहले की निस्बत कम हो जाएगा ना, ठीक है, और ये कार्बन एटम्स जो हैं वो तो इतने ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो है फर्दर कंप्रेस हुआ, सही है, और फर्दर जो है कार्बन के ये एटम एक दूसरे के करीब आ गए, सही। और इस तरह से जो फाइनल फॉर्म आएगी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। इस तरह से उसके अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन होगी, यानी पहले ये वाला पीस था कार्बन का, कंप्रेस हुआ तो फिर ये कार्बन के एटम्स करीब आ गए, फिर और करीब आ गए, और फिर ये फर्दर कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो समझ लें कि ये वुड थी और उसके ऊपर जैसे जैसे एक्शन परफॉर्म होते गए तो ये कन्वर्ट हो गए इंटू द फाइनल फॉर्म कोल, ठीक है। और कोल के अंदर जो है बहुत हाई कंसनट्रेशन प्रेजेंट होती है कार्बन की, ठीक है, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होती है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कार्बनाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? कार्बनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो कोल फॉर्मेशन हुई है हमारे पास, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। और फिर इसको फर्दर हम देखते हैं कि इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया गया। जब ये कोल बन गया तो फिर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की गई और इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कलेक्ट किया गया, सही। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं और ये किस तरह से की गई। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ऐसा एक्शन जो हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर परफॉर्म करके हम कंपाउंड्स को सेपरेट करें, ठीक है। जैसे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, उन कंपाउंड्स की फ्रैक्शंस बनाई जाती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, ठीक है। बट इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम उस कंपाउंड को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और उसको तोड़ के, उसको ब्रेक करके, उसको डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके हम उन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये जो प्रोटोस यूज़ हुआ है, ये असल में रिटॉर्ट की बेस पे बनाया गया, रिटॉर्ट जो कि जबर बिन हयान ने डिज़ाइन की थी, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली गई और इसके अंदर हमने लिया कोल, ठीक है, कोल इन द पाउडर फॉर्म, या फिर उसको ब्रेक करके, ठीक है, पाउडर फॉर्म में हमने इसमें कोल लिया और दूसरी तरफ इस ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरी वर्टिकल ट्यूब के साथ, और इसके अंदर हमने फिल किया हुआ है वाटर। ये आपको नीचे वाटर नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक और हमने इसके साथ ट्यूब लगा दी जिसके थ्रू हम इसके जो फ्यूम्स वगैरह थे हम उनको कलेक्ट कर सकते थे, और यहाँ पे कलेक्टर अटैच था, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल जो प्रोसेस है ना, ये एयर प्रोटेक्टेड है, इसमें एयर कहीं से भी एंटर नहीं हो रही, यहाँ से भी ये बंद है, यहाँ से भी ये क्लोज है, एयर कहीं से भी एंटर नहीं हो रही है, जो भी हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब थी इसके अंदर कोल लिया हुआ है, और इस कोल को हीट करने के लिए बर्नर यूज़ किया गया, सही है, हीटिंग सोर्स लिया गया यहाँ पे। अच्छा, तो जब इस कोल को हीट किया गया इस ट्यूब के अंदर, तो इससे कुछ फ्यूम्स निकले, ठीक है, यहाँ से जो है वो कुछ फ्यूम्स निकले, और ये फ्यूम्स जो हैं ये इस ट्यूब में से पास करके ये यहाँ पे इस जो वर्टिकल ट्यूब है इसके अंदर ये इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो फ्यूम्स बने थे कोल से, इनमें से कुछ फ्यूम्स जो हैं वो कंडेंस हो गए, ठीक है, कंडेंस्ड फ्यूम्स, कुछ जो हैं वो कंडेंस हो के नीचे बैठ गए, सही है। ये जो आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, ये असल में ये फ्यूम्स जो कंडेंस हो गए और ये वाटर के नीचे बैठ गए, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, सही है। तो ये जो कंडेंस्ड मैटर है जो इसके नीचे ब्लैक कलर का ब्लैकिश सा लिक्विड बना दिया इसने, इसको हम क्या कहते हैं, कोल टार, इसको नाम दिया गया कोल टार का, ठीक है, इसको कोल टार का नाम दिया गया। और कुछ जो फ्यूम्स थे वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, तो वाटर में एब्जॉर्ब होके उन्होंने बना दिया अमोनिकल लिक्विड, क्या बना दिया, अमोनिकल लिक्वर, ठीक है, अमोनिकल लिक्वर बना दिया इन्होंने। और जो कुछ फ्यूम्स थे जो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो गए, और इसको क्या कह दिया गया, कोल गैस। ये एब्जॉर्ब ही नहीं हुए ये फ्यूम्स, और कंडेंस भी नहीं हुए, बल्कि ये सेपरेट हो गए, कलेक्टर के थ्रू इनको कलेक्ट कर लिया गया और इसको कोल गैस का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब इनमें से कुछ फ्यूम्स जो थे उनको, वो कंडेंस हो गए, उसको कोल टार का नाम दे दिया गया, और इन्होंने वाटर के नीचे अपनी एक लेयर बना ली, ठीक है। और कुछ फ्यूम्स वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो गए और इन्होंने बना दिया अमोनिकल लिक्विड, एंड दिस वॉज अबव द कोल टार, ठीक है। और जो बाकी फ्यूम्स थे जो ना तो कंडेंस हुए और ना ही वाटर में एब्जॉर्ब हुए, उनको कलेक्टर के थ्रू कलेक्ट कर लिया गया और उनको नाम दे दिया गया कोल गैस का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो पीछे रेजिड्यू रह जाता है ना कोल का, इसको कहा गया कोक, क्या नाम है इसका, कोक, ठीक है, इसको कोक कहा गया। और इस तरह से हमारे पास चार मजीद सोर्सेज आ गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, कोक, कोल गैस, कोल टार एंड अमोनिकल लिक्वर, ठीक है। कोल को हीट करने से क्या क्या ऑब्टेन हुआ, नंबर वन कोक, नंबर टू कोल गैस, नंबर थ्री अमोनिकल लिक्वर, एंड नंबर फोर इज द कोल टार, ठीक है। कोक, कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल टार, इसमें से जो कोक है ये था हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, कोल गैस थी गैशियस फॉर्म में, ये था इन द लिक्विड फॉर्म, और कोल टार जो है ये विस्कस लिक्विड था, क्या था, विस्कस लिक्विड, क्लियर। कोक के क्या यूजेस हैं, कोक जो है ये यूज होता है एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी, ठीक है। अब ये जो कोक है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, यूँ समझने कि ये प्योरली कार्बन पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस कोक के ऊपर से जब वाटर वेपर्स को पास करवाया गया, ठीक है,
वाटर वेपर्स को जब पास करवाया गया तो ये कन्वर्ट हो गई इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसने क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड या फिर वाटर गैस, क्या बना दी इसने, वाटर गैस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और वाटर गैस जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लियर। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी कोक के ऊपर से वाटर वेपर्स को पास करवाया गया तो वो कन्वर्ट हो गई इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि ये प्योरली कार्बन पे कंसिस्ट करती थी, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ जो है ये कन्वर्ट हुई वाटर गैस में, और वाटर गैस एक बिग सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा कोक को एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी, सही है। अच्छा जी, ये जो कोल गैस है ना, ये मिक्सचर है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, सही है। और इसको यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, सही, इंडस्ट्रीज में इसको भी एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है कोल गैस को। उसके बाद जो अमोनिकल लिक्विड है ये लिक्विड फॉर्म में था, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की प्रेपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना ज़्यादातर मिकदार जो है वो अमोनिया ही की प्रेजेंट है, अमोनिया एब्जॉर्बिंग वाटर, अमोनिकल लिक्विड, ठीक है। उसके बाद जो कोल टार है, अब कोल टार जो है ये एक बिग सोर्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, बिग सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन फिनॉल वगैरह, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक वीक सोर्स है, सही है। विस्कस लिक्विड होता है ये कोल टार, और इसके अलावा कोल टार को रूफिंग में भी यूज़ किया जाता है, सही है, रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, सही है। इसको आम जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको लुक भी कहते हैं, ब्लैक कलर का विस्कस सा लिक्विड होता है, तार भी इसको कहते हैं, सही है, बिल्कुल ब्लैकिश सा विस्कस सा लिक्विड होता है, और जहाँ इसको डालोगे वहीं पे ये जम जाएगा, सही है। तो इसको रूफ्स वगैरह में और इसके अलावा वाटर प्रूफिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है कोल टार को। ये एक बिग सोर्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, और इसके अलावा इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, कोल टार का जो यूज़ है वो मेडिसिन में भी है, ठीक है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है, सही है। तो अगर हम इसके पाकिस्तान में रिसोर्सेज देखें कोल के, तो ये तकरीबन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 184 बिलियन टन्स है, ठीक है, पाकिस्तान में ये 184 बिलियन टन्स है कोल के, ठीक। और फिर कोल को हीट करके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, उसकी कार्बनाइजेशन करवा के उसको कन्वर्ट किया गया इनटू द कोक, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड एंड कोल टार, और फिर इनको आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस 184 बिलियन टन्स में से जो 84% है वो यूज़ होती है ब्रिक्स को बेक करने में, इसके अलावा लाइम किल में, और इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पसेस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, नेचुरल गैस, ठीक है, और पाकिस्तान में इसको सुई गैस कहा जाता है, वैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको नेचुरल गैस ही कहा जाता है, बट पाकिस्तान में ये सुई गैस के नाम से जानी जाती है, सही है। तो नेचुरल गैस असल में है क्या, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, क्या है ये, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर कार्बन की चेन चेन लेंथ कम होती है, सही, यानी स्टार्टिंग मेंबर्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के उनका एक मिक्सचर होता है, सही। जैसा कि अगर मैं ये बात करूँ मेथेन की, तो ये कार्बन इसमें एक ही प्रेजेंट है, अगर इथेन की बात करेंगे C2H6 C3H8, तो जैसे जैसे मैं फर्दर मूव करती जाऊँगी तो कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, जितनी कार्बन की चेन लेंथ कम होगी उतना ही उस हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो स्टार्टिंग मेंबर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और देन लिक्विड फॉर्म में, और जो एंड वाले मेंबर्स होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, वो सॉलिड इन स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस जो ये असल में क्या है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इसके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन की चेन लेंथ बहुत ही कम है, मेनली इसके अंदर
अंदर मीथेन प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, बट इसके अलावा भी इसके साथ और गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। ये एक मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है? तो इसको नेचुरल गैस कहा जाता है और घरों में हम इसको यूज़ करते हैं, जो सुई गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो असल में यही नेचुरल गैस होती है। एंड इट्स ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जो कि बाकियात जो हैं जानदारों की उन्हीं से बनी है। इसके अलावा इसको डोमेस्टिक पर्पसेज के अलावा इसको इंडस्ट्रियल पर्पसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस को। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में से तो इसको बहुत ज़्यादा, ये एक बिग सोर्स है फ्यूल का। इसके अलावा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं CNG। CNG असल में क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यही नेचुरल गैस होती है बट इन इट्स कंप्रेस्ड फॉर्म, सही है, जो कि हमारी व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती है। तो CNG क्या है असल में? कंप्रेस्ड नेचुरल फॉर्म, नेचुरल गैस, इसी गैस की कंप्रेस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो थर्ड सोर्स है पेट्रोलियम, उसको हम इंशाल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।